एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस वाशनी। आज हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पर। आज हमारी पूरी फैमिली मथुरा वृंदावन कृष्ण जी के दर्शन और राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस कुछ ही देर में निकलने वाली हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी श्री कृष्ण की नगरी। तो चलिए गाइस, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी। गाइज, अब हम निकल चुके हैं, हम सब अपनी गाड़ी में हैं और बीच में हम पेट्रोल डलवा रहे हैं। बस इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हमारे टीम पार्टनर्स, हमारी फैमिली, अभी हमारे पिताजी बाहर हैं। गाइस, अब हम आ चुके हैं वृंदावन के एक लक्ष्मी मंदिर में, जहाँ हमने लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए कमल का फूल और ये खरीदा है और ये प्रसाद। अब हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा। आंटी हूँ मैं। आप बनाओ प्लीज। पता यार, किसी की शादी वादी है शायद। कहाँ जा रहे हैं? देखो कितने सारे कमल के फूल हैं। कमल के फूल ये कमल होता है। कमल है, हाँ कमल है, कमल है। अभी यहाँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार हो रहा है, इसीलिए पट बंद है। अभी कुछ ही देर में श्रृंगार होने के बाद यहाँ लक्ष्मी जी के पट खुल जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करके वृंदावन के लिए निकलेंगे। गाइस, यहाँ इस मंदिर में किसी की शादी है, इसीलिए यहाँ इतनी डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यहाँ ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा मंदिर डेकोरेट हो रहा है। क्या नहीं, यहाँ क्या है पीछे? ये मंदिर का बैक है। ये देखिए गाइस, यहाँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका और यहाँ ये पंडित जी यहाँ स्टोरी सुना रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ था। ये देखिए, यहाँ सब पंडित जी की कहानी सुन रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ था। और देखिए गाइस, यहाँ लक्ष्मी जी के श्रृंगार के लिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं और यहाँ लक्ष्मी जी के श्रृंगार होने के बाद फिर वहाँ के पट खुल के फिर हम लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। गाइस देखिए, यहाँ मंदिर के पीछे यमुना जी भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए पूरा व्यू यमुना जी का। I'm
दर्शन करने के बाद हम बरसाना पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने। चलिए, मैं आज राधाष्टमी होने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और हर जगह ढोल बाजे वगैरह बज रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ राधाष्टमी होने की वजह से यहाँ हर जगह बलून्स वगैरह से सजा हुआ है और ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए गाइस, अब हम राधा रानी के मंदिर के लिए जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बस हम अभी थोड़ी ही दूर आ पाए हैं। और देखिए यहाँ कितनी भीड़ है राधा अष्टमी की वजह से। आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये आप देख सकते हैं। गाइस, अब हम राधा रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ हम एक लस्सी स्टॉल पर रुके हुए हैं, यहाँ हम सब लस्सी पी रहे हैं। इसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहाँ निकल रहे हैं? अब चले मथुरा, वृंदावन। वृंदावन, और उसके बाद हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। देखिए प्रेम मंदिर का शाम का नज़ारा कितना सुंदर होता है, लाइटें कितनी अच्छी है और यहाँ मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। ये देखिए ऊपर पूरे में काले काले बादल हैं। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश वाला, और हम मंदिर में जैसे ही एंटर हुए हैं और वैसे ही बारिश शुरू हो गई है यहाँ। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं सब लोग कैसे।
ये देखिए गाइस, हम मंदिर में एंटर भी नहीं पाए और हम बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। ये देखिए बहुत तेज बारिश है यहाँ। देखिए गाइस, अब हम अंदर अपने दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ और इतनी बारिश होने की वजह से हमारी मम्मी और हमारे इनके दोनों के जूते चप्पल गायब हो चुके हैं। बेचारे नंगे पैर जा रहे हैं अब बिना शूज के। गाइस जूते चुर गए, शादी में तो चुर ही थे, यहाँ भी चुर गए। देखो नंगे पैर चल रहा हूँ मैं और नए शूज थे यार, बिल्कुल एक बार ही पहने थे बस मैंने मसूरी वाले ट्रिप पे, फिर उसके बाद अब पहने थे और वो चुर गए। बारिश की वजह से एकदम बहुत सारी भीड़ हो गई, उसके बाद जूते चप्पल पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो चलिए अब गाइस हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और यहाँ से हम निकलेंगे।